हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज बना रहे हो लीड जनरेशन के लिए, तो कैसे बनाना है? वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मैं इस प्लगइन की बात करूंगा जिसमें आप लैंडिंग पेज बना बनाए मिलेगा। और लैंडिंग पेज बना के अब कैसे उसको लीड जनरेशन कर सकते हो फेसबुक गूगल ऐड के जरिए, ये मैं छोटा सा टिप्स भी दूंगा साथ में। ये देने के पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल में जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए शुरू करते, कैसे बनाते हैं लैंडिंग पेज एकदम 2 मिनट के अंदर, और उसको लीड जनरेशन कैसे करना है ए टू जेड बताएंगे, और आपको फ्री टिप्स भी एक देंगे जो बहुत ऑथेंटिक है। चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for more video. हेलो फ्रेंड्स, मैं डेस्कटॉप का स्क्रीन में आ गया, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो पहले आपको क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है वर्डप्रेस में। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ। प्लगइन में जाके आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा होगा, बहुत सारे आप प्लगइन्स के बारे में बताया, मैं भी एक ऑथेंटिक प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा। मैं उसको आपको सर्च करना है लैंडिंग पेज बिल्डर, इसमें आपको बनाई बुनाई पूरा मिल जाएगा। एक तो ब्रिजी है, लेकिन मैं उसके भी ज़्यादा अच्छा थीम्स मेरे को नहीं मिला। दूसरा प्लगइन से मैं जो रिकमेंड करूँगा ये वाला, आप ब्रिजी भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तो लैंडिंग पेज बिल्डर करोगे तो इसमें सारे लैंडिंग पेज एलिमेंटर आ जाएगा। एलिमेंटर का 5 मिनट्स एक्टिव इंस्टॉलेशन, लेकिन एलिमेंट में आपको क्या बनाना पड़ेगा, और ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा। इसको मैंने ये क्या है, इसको अपडेट है 12 आवर्स पहले है, ये भी 10,000 एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये भी अच्छा रेटिंग है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा, मैं दोनों बताता हूँ, अच्छा है और ब्रिजी भी ठीक है। ठीक है, आपको पसंद है, लेकिन मैं इसको बताऊँगा, इसके बारे में बता के और भी एक टिप्स दूंगा। इसको पहले इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल कैसे करना है आपको पता है, एक्टिव भी करना पता है। तो मैंने आता हूँ इसका डैशबोर्ड में, ठीक है। इसको इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद आपकी साइड में बार में दिखाई देगा। अभी इसमें आके आपको क्या करना है, ऐड ए न्यू पेज, लैंडिंग पेज में ऐड ए न्यू पेज करोगे। ऐड ए न्यू पेज जैसे करोगे, आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो उसके टाइटल्स पहले आपको डालना है। मैं टाइटल्स में डाल देता हूँ वेट लॉस के बारे में, वेट लॉस। अभी इस लैंडिंग पेज को मैं बना रहा हूँ, इसे क्लिक ओपन है लैंडिंग पेज पैनल में क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लेगा ये, थोड़ा लास्ट तक देखना, आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे इसको आप यूज करके बहुत सारे लीड जनरेशन कर सकते हो। मैं आज तक 250 लीड जनरेशन कर चुका हूँ, मैं फ्री वो भी फेसबुक और फेसबुक लिंक्डइन वगैरह को मैं डाल के किया, ठीक है। अभी आपको टिप्स फ्री भी बताऊंगा और आपको क्या है पेड भी बताऊंगा। पेड में फर्स्ट होता है और फ्री में क्या धीरे धीरे एक दो करके होता है, तो इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ। अच्छा, उस पेज में मैंने आ गया। अभी देखो, इसमें इतने सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं लीड जनरेशन करने के लिए, आपको जो भी मन पसंद है। जैसे आपका वेट लॉस है, आपका वेट लॉस के लिए ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, आपका ब्लॉगिंग रिलेटेड ये वाला ब्लैंक भी बना सकते हो। तो आपको मैं ये वाला कर देखा, तो इसमें क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट करना है। थोड़ा टाइम लग रहा है, पता है नेट स्लो इसकी वजह से। तो मेरा पेज बन गया, इंसर्ट हो गया। अभी इस पेज को आप देखो कितना बढ़िया लैंडिंग पेज है। आप इस लैंडिंग पेज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हो। लिखने के बाद मैं और भी कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये एक कैसा है, इसमें आपको मोबाइल वर्जन में कैसे दिख रहा है भी बता देता हूँ मैं। जैसे मोबाइल साइड में कैसे दिख रहा है पूरा ए टू जेड इसमें बता देगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। अभी इसको देखो, मोबाइल ऐसे दिखेगा मोबाइल में। तो अभी ये जो पेज है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में दोबारा कर देता हूँ, कस्टमाइज़ कर देता हूँ। कस्टमाइज़ कैसे करना है वो भी बता दूंगा मैं। जैसे ये आगे इसमें ड्रैगन ड्रॉप है, देखो इसमें क्लिक करोगे ये ड्रैगन ड्रॉप ईजी वे एकदम, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट अपने हिसाब से लगा सकते हो। जैसे यह करोगे ना, यह चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसमें।
ठीक है ना, इसमें ईमेल चेंज कर सकते हो। और क्या है, मैं मेन चीज़ बता देता हूँ, इसको आप एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद आपको ये लैंडिंग पेज बन गया आपके हिसाब से, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप एकदम ईजी है। तो इसे कर करने के बाद आपको सब्सक्राइब दिख रहा है ना, इसमें इसमें जैसे क्लिक करोगे आप, इसमें इसमें क्लिक करना, जैसे इसमें लिखा है, इसमें आपको सब्सक्राइब में जाता हूँ मैं, इसके हम सेटिंग करेंगे ठीक है। अभी ईमेल नोटिफिकेशन नॉट सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मेरे को बता देता हूँ मैं, इसमें बटन स्टाइल में क्या करना है, इसमें बटन स्टाइल आप मीडियम साइज़ बना सकते हो, फुल इसमें कुछ भी कर सकते हो। एंड एक्शन में क्या डालना है, अच्छा एक्शन में इसमें सक्सेस मैसेज, द मैसेज सक्सेसफुली आएगा। और एक्शन में हमको रीडायरेक्ट टू URL, रीडायरेक्ट URL करना है। रीडायरेक्ट URL करने के बाद यह आपको URL देना है। अभी सुनो, क्या URL देना है, आपके पास तो प्रोडक्ट है नहीं, आप अगर कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो तो ईमेल कलेक्शन के लिए, जैसे आप लीड जनरेशन कर लो, किस पर्पस करोगे, तो पर्पस होना चाहिए आपके पास, कुछ होना चाहिए प्रोडक्ट जो फ्री में प्रोवाइड करके आपको लीड जनरेशन करना है। तो आपको प्रोडक्ट अब बनाना ही नहीं आता, तो प्रोडक्ट कहाँ से प्रोवाइड करोगे, उसके भी रास्ता मैं दिखाता हूँ। यहाँ आपको URL देना है, मैं बता देता हूँ कहाँ किस चीज़ का, वो भी बता देता हूँ आपको। कहना है फ्री PLR एक वेबसाइट है, इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट को उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे इसमें आप क्लिक करोगे, जैसे मैं वेट लॉस का देता हूँ, जैसे इसमें वेट लॉस का बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये भी बहुत सारे वेट लॉस का प्रोडक्ट दिख रहे हो ना, जैसे वेट लॉस का प्रोडक्ट दिख रहे हो, इसमें वेट लॉस का जो प्रोडक्ट है इसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है गूगल ड्राइव में, आपको जाना है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाने के बाद आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव पे अपलोड फाइल में अपलोड करना है। इसको अपलोड फाइल के बाद आपको ऐसे लिंक लेना है, कैसा लिंक, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये ध्यान रखना, लिंक लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप यहाँ आओगे ना, इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करना है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे अपलोड करोगे, आपको जो PDF फाइल होगा या ई-बुक होगा, कुछ भी जो होगा, आपको इस मॉडल में दिखाई देगा। जैसे ये एक PDF फाइल है, इसको प्रोवाइड कर रहे हो फ्री में, तो वेट लॉस का, जैसे वेट लॉस टिप्स दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो फिर इसको क्या करना है, मैं डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, इसमें क्या है, आपको ये शेयर जो बटन दिख रहे हो इसमें क्लिक करना है। पता नहीं मेरा क्या हो गया, इसमें लिंक कभी कभी काम करने ही करता है। शेयर बटन में क्लिक करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है इसको देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें क्या है, आपको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। जैसे आप शेयर बटन में क्लिक करोगे, इसमें गेट लिंक्स में क्लिक, चेंज द एनीवन टू लिंक विद, इसमें कॉपी लिंक करना है। ध्यान रखना ये वाला लिंक हो, गेट लिंक है, ओनली द पीपल एट द पीपल ओन लिंक्स, तो चेंज टू एनीवन विद यहाँ क्लिक करना है, चेंज टू एनीवन करना है। एनीवन करने के बाद मतलब इस लिंक को कोई भी आ सकता है, इसमें कॉपी लिंक करना है, जो कॉपी वाला लिंक है इसमें कॉपी वाला लिंक करना है। लिंक करने के बाद आपको जो लैंडिंग पेज है ना, ये रिडायरेक्ट टू द, इसमें आपको उस लिंक को पेस्ट करना है। तो क्या होगा, बंदा जैसे इसमें आएगा और उसको मिल रहा है फ्री वाला PDF फाइल। PDF फाइल किस में, ब्लॉगिंग के लिए हो सकता है, आपको वेट लॉस के लिए हो सकता है, आपका कुछ भी मैटर के लिए हो सकता है। जैसे आएगा, फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको उस URL को पुट करना है, ठीक है, उस URL को पुट करना है। इसमें जैसे पुट करोगे तो आपका क्या, जैसे आप ईमेल एड्रेस डालेगा, ईमेल एड्रेस डालने के बाद सीधा कहाँ जाएगा, वो सीधा जाएगा आपका उस लैंडिंग पेज में, सॉरी वो गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में जाने के बाद उसको वो चीज़ मिल जाएगा। तो उसको कोई रीज़न होना चाहिए ना। तो अभी इसको मैं अभी ये पूछ सकता हूँ, मेरे को ईमेल एड्रेस कैसे कलेक्ट होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आपको जाना है इंटीग्रेशन में, मैं एक बार देखा देता हूँ, इंटीग्रेशन जो दिख रहा है इसमें जाना है, सर्विस ईमेल नोटिफिकेशन, और ईमेल नोटिफिकेशन फुल नेम इसमें डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल टू फ्रॉम ईमेल एड्रेस,
तो ईमेल टू में आप जिस ईमेल एड्रेस दोगे उस ईमेल एड्रेस में यहाँ ईमेल टू करना है। इसमें जैसे ईमेल टू करोगे तो आपको क्या होगा, जैसे मेरा कोई ईमेल एड्रेस है उसमें सारे ईमेल जाना चाहिए, और इसमें ईमेल टू करके इसमें आप ईमेल डाल सकते हो। जैसे ईमेल डालोगे आपका सारे ईमेल जो कलेक्ट होगा, जो उसमें बंदा सब्सक्राइब करेगा बंदा वहाँ चला जाएगा। ठीक, तो ये था मेरे एक टिप्स जिसमें लैंडिंग पेज बना के कैसे कलेक्ट करना है। और इस जैसे इसमें आपको ईमेल ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, आपको क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद इसको जो लिंक है ना, आप फेसबुक में डाल सकते हो, लिंक्डइन में डाल सकते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में डाल के एक पेज बना के उसमें डाल सकते हो और उसमें बूस्ट कर सकते हो, उसमें ऐड जनरेट कर सकते हो। जैसे करोगे ना तो इसमें बहुत सारे लीड जनरेशन हो जाएगा। नॉर्मली आप कर दोगे तो फिर भी लीड जनरेशन होगा, लेकिन बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे का कोई क्वारी, कोई दिक्कत, परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करना, मैं बता दूंगा।